कमलनाथ जी, आपकी सरकार कुपोषण के खिलाफ जंग लड़ने की बात कर रही है। कुपोषण दूर करने के लिए अंडे का फंडा भी लाई, इस फंडे में सियासत भी गरमाई, मगर इन सबसे इतर सरकारी सिस्टम की असलियत बयान करती हकीकत सामने आई है। एक आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका ने नाच नाच कर आपके सिस्टम की पोल खोल दी। उसका कहना है आंगनबाड़ी में बच्चे ही नहीं आते, कुपोषण कहां से दूर होगा, पहले सरकारी सिस्टम सुधरवाओ। कमलनाथ जी, ये कोई डांस टीचर नहीं है, आपसे इनका परिचय करवा देते हैं। ये है दमोह के शहरी इलाके से लगी आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका परिमला श्रीवास्तव, जिसे आपके फेल होते सरकारी सिस्टम ने नाचने पर मजबूर कर दिया है। इसे देखकर लगता है जैसे सरकारी सिस्टम ने इसे इतना नचा डाला हो कि इसे अपनी हर बात नाच नाच के कहने की आदत हो गई हो। आंगनबाड़ी सहायिका का यह वीडियो कुपोषण के खिलाफ जंग की जमीनी सच्चाई से रूबरू करवा रहा है। क्यों इस कदर नाच नाच कर गुस्से में खुद कह रही है, मुख्यमंत्री, कलेक्टर और जिसे दिखाना हो वीडियो दिखाओ, वायरल करो, लेकिन सरकार से सिस्टम सही करवाओ। बात भी सही है, जब केंद्रों में बच्चे ही नहीं होंगे तो भला कुपोषण कैसे दूर होगा। दमोह ही नहीं पूरे सूबे में यही स्थिति है, ऐसे में अंडे का फंडा क्या कारगर होगा। नाच नाच कर अजीबो गरीब हरकतें करने वाली ये महिला आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका परिमला श्रीवास्तव सच्चाई सबके सामने रख रही हैं। वो खुद कह रही है कि बच्चे हैं नहीं, पतली सब्जी और रोटी से कुपोषण दूर किया जाएगा, लाचार बेबस सिस्टम और सरकार को संभल जाना चाहिए। कैमरे चल रहे थे लेकिन आग बबूला परिमला श्रीवास्तव अजीबो गरीब हरकतें कर रही थी, या यूं कहें कि एक एक कर जमीनी सच्चाई बयान कर रही थी। उसे इस बात की भी कोई चिंता नहीं कि कैमरे चल रहे हैं, अधिकारी जांच के लिए आई हैं। वे कहती हैं तुम पर कार्यवाही होगी, तुम इमरती देवी की खास हो, तुम्हें क्या लगता है कुछ नहीं होगा। तो ये सहायिका और गुस्से में आ गई, कहने लगी मैं किसी की खास नहीं हूं और जो करना है कर लो, मगर सरकारी सिस्टम सुधारो। बच्चा 1:30 बजे स्कूल से आ रहा है तो क्या आंगनबाड़ी में बच्चा मिलेगा? अधिकारी सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है, आके बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, कूद आओ दिया मेरे को, जैसे हम खबर को जान निकाली दी ना, बच्चा 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 कहाँ से लाए बच्चा? अरे सरकार नियम नहीं बदलती है, सरकार नियम बदले ना, आंगनबाड़ी में कैसे नहीं चलती है? और जो मोबाइल नहीं, हमको गुस्सा इसलिए आ जाती है सर कि हमारा विवाद एक सुपरवाइजर से हो चुका है यहाँ पे, बच्चा 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 के कारण आज फिर से भी विवाद हो गया। जो अधिकारी आता है, अधिकारी को भी नियम पता है कि बच्चे इनके घर के खुद नाती पोता स्कूल जा रहे होंगे, इनसे पूछो नहीं करो ना, जान देना करो। वो देना तुम्हारा लड़का आंगनबाड़ी में नया है, तुम पहले जहाँ इतनी रकम भर हो उतना भेजो बच्चा के लाने स्कूल में, भेजो इतने आंगनबाड़ी के आके और पानी वाली सब्जी और एक रोटी खा ले, कुपोषण दूर हो गया है। पानी वाली सब्जी और एक रोटी में कुपोषण दूर हो रहा है कि तुम उधर भर हो नहीं देखो लाल लगी कि संजय जी आप है कौन, संजय जी यहाँ आके वीडियो बना, अरे हमारे तो खूब वीडियो बनाओ, मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज पहुंचाओ। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी सहायिका क्यों नाच रही हैं, या यू कहें कि गुस्सा नाच कर क्यों उतार रही हैं। दरअसल इस महिला कार्यकर्ता का गुस्सा ऐसे ही नहीं फूटा, बल्कि आए दिन होने वाले अफसरों और नेताओं के दौरे और जांच पड़ताल के बाद इसका पारा आसमान पर चढ़ गया। बीते दिनों इलाके की जनपद उपाध्यक्ष मनीषा तिवारी इस आंगनबाड़ी केंद्र में निरीक्षण के लिए पहुंची, केंद्र पर एक भी बच्चा नहीं था, तो जनपद उपाध्यक्ष का सवाल जवाब करना लाजमी था। बस फिर क्या था, आंगनबाड़ी सहायिका का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। अधिकारी भी क्या करें, वही आंगनबाड़ी केंद्र है जहां सूबे के कुपोषित बच्चों को स्वस्थ करने की जद्दोजहद चल रही है, जहां बच्चों को अंडा देने पर सियासत गर्म है। फिलहाल आंगनबाड़ी सहायिका की इस हरकत को बदसलूकी मानकर और सिस्टम को कटघरे में खड़ा करने पर उसकी शिकायत कलेक्टर से की गई है। मैं लगभग 12:45 पर वहाँ पहुँची तो कार्यकर्ता बैठी हुई थी कुर्सी पर, जब मैंने उनको बताया कि मैं जनपद उपाध्यक्ष हैं, तो बोली मैं क्या करूँ, मैंने कहा कि आपके यहाँ बच्चे नहीं दिख रहे, तो बोले मैं कहाँ से ले आऊँगी बच्चे, बच्चे स्कूल जाते हैं। और तो हमने कहा कि क्या बच्चे दोनों जगह दर्ज हैं, अगर आंगनबाड़ी में तो वो स्कूल कैसे जाते हैं,
तुली ये शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं खराब हैं और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहिए, और गाली गलौज देकर वो बातचीत करने लगी और उसने ये कहने लगी कि मेरी तो यहाँ जो अधिकारी आता है मैं उससे भी लड़ लेती हूँ, कार्यक्रम अधिकारी से भी मेरा पंगा है, सुपरवाइजर मैडम आई थी मैंने उनको भी अच्छा फटकारा है, और मुझे अध्यक्ष बनाओ मैं अपनी बात रखूंगी, आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो जाना चाहिए, और गाली गलौज देकर बात करने लगी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी नौकरी ही जाएगी और क्या होगा, मैं नौकरी से नहीं डरती, मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरती हूँ, और बहुत गंदी गंदी गाली दी। आसपास के लोगों ने उसको समझाने का प्रयास किया कि तुम व्यवहार कैसा कर रही हो, लेकिन वो रेगुलर अपने व्यवहार को अभद्रता करती रही, नाचने वाचने लगी और बदतमीजी देने लगी और कहने लगी कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मैं शासन प्रशासन से किसी भी अधिकारी कर्मचारी से नहीं डरती, जिसको जो करना हो मेरा कर लेना। बात जिले से कुपोषण को जड़ से मिटाने की है, जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, मगर जमीनी हकीकत तक नहीं पहुंच पा रही। मगर यह वाक्या सामने आने से पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लग गया है। यह सहायिका जो कह रही है वो गलत भी नहीं, अगर बच्चे ही नहीं हैं तो कुपोषण किसका दूर होगा। फिलहाल प्रशासन ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। महिला बाल विकास की कार्यकर्ता है, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चोपरा रैयत वारी, कोई प्रमिला श्रीवास्तव, और उपाध्यक्ष महोदय जांच के लिए गई हुई थी, उन्होंने रजिस्टर मांगे और बच्चों के संबंध में भी पूछताछ की, तो उन्होंने सूचित किया अपने उस आवेदन में कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा उनसे अभद्रता की गई है। तत्संबंध में CDPO को निर्देशित किया गया है कि जांच कर प्रतिवेदन दें। देख रहे हैं दखल न्यूज़।